आज के विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि कोई एक खिड़की हो, आज के विज्ञान ने यह साबित किया है। आप सोचते हो हवा में क्या पड़ा है, पानी में क्या पड़ा है, इसमें क्या पड़ा है, ये तो हवा है। लेकिन एक खिड़की खुली हो, आगे और एक खिड़की या दरवाजा ना हो सामने से, इसको क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं। वेंटिलेशन यानी हवादार स्थान बनाना, जिसमें हवा जाने के लिए जगह बनाना। हवा घुसना अलग है, हवा निकलना अलग है, समझ रहे हो। तो आज के विज्ञान ने बहुत कोशिश करके ये साबित किया कि सामने निकलने कोई रास्ता नहीं हो। आप लोग ऐसे सोचते हो ना कि हवा नहीं आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, उन जगहों में हवा अंदर घुसता ही नहीं है। हवा में वो ऊर्जा है, वो समझ सकता है कि इधर जाऊं तो मैं निकल सकता हूं या नहीं। जिस जगह में जाने से वापस बाहर निकलने की व्यवस्था हो, आप देखिए उसी कमरे में खूब हवा खूब घूमता है और फैलता है। आपने एक अनुभव किया होगा। इसका अर्थ क्या है? जिस चीज को आप अंदर बुलाना चाहते हो आपके जीवन में, वो पैसा क्यों ना हो, वो यश क्यों ना हो, वो सफलता क्यों ना हो, पैसे को आप चाहते हो तो पहले उसको बाहर जाने का भी व्यवस्था करो। अगर आप 5,000 करोड़ चाहते हो, 5 रुपया तो भी पहले दान दे के उसको बाहर निकालो तो वो घुसने की शुरुआत करेगा। बहुत सिंपल थियरी है ये, क्रॉस वेंटिलेशन की थियरी है। क्रॉस वेंटिलेशन यानी इधर से निकालोगे तो ही इधर घुसेगा। उन्होंने ये साबित कर दिया विज्ञान ने कि आप मानते हो कि हवा में कोई भी भावना या कोई ज्ञान या कोई प्रज्ञा या दिमाग नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि उस जगह हवा अंदर घुसता ही नहीं है जिस जगह बाहर निकलने का रास्ता नहीं हो। हवा तक इस प्रकार की ऊर्जा रखता है, तो पैसा भी एक ऊर्जा है, यश भी एक ऊर्जा है, प्रशंसा भी एक ऊर्जा है, रिश्तों का प्यार भी एक ऊर्जा है। आप अपने रिश्तों से प्यार चाहते हो तो आप दूसरों को प्यार दो, प्यार आना शुरू हो जाएगा। सिंपल क्रॉस वेंटिलेशन थियरी है कि जो जो चाहते हो आज, इसलिए सुबह मैंने गिनाया, बैठो गिनो क्या क्या अच्छा किए हुए हो। आप सब, आपके साथ अच्छा हो ये चाहते हो, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। आप ये चाहते हो कि मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ सब चीजें अच्छी घटें, लेकिन आप पहले अच्छा करोगे तो ही वो दरवाजा खुलेगा, तो वो समझ जाएगा, जो अच्छा होना है वो समझेगा कि इधर निकलता भी है तो मैं घुस जाऊं, फिर आपके जीवन में अच्छाई होनी शुरू होगी। क्योंकि अच्छाई आपके जीवन में घुसने के लिए आपने अच्छाई का दरवाजा खोल दिया है, खोलोगे तो ही वो घुसेगा। आप देखो होंगे बड़े बड़े पैसे वाले अरबोपति जो खर्चा नहीं करते हैं, अंत में कैंसर में, बीमारियों में दुखी होके, पत्नीहीन होके, आप पैसे वाले को देख के जलते हो के पैसा वाला, अच्छे से उसकी अंतिम जिंदगी देखो। जिसने दान पुण्य किया हो, 4 लोग उसको उठाते राम नाम सत्य बोलते जाए ना, 4,000 लोग रोते रोते पीछे जाए। और जिसने कुछ नहीं किया हो, मरते समय लाश सड़ रहा है, एक दिन मालूम पड़ा अकेले कमरे में मर गया और कोई देखने वाला नहीं था, सड़ा हुआ लाश बरामद करके सरकार ने जलाया, अरबोंपति, कोई पूछने वाला नहीं। आपको क्या चाहिए? मैं रोज बोलता हूं आपको कि विनोद आचार्य बोलता है कि ताली बजाओ ताली बजाओ, लेकिन मैं देखता हूं आप ताली नहीं बजाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ताली बजाने से मेरा क्या आएगा, वो तो उसका उसके नाम का है बात, मेरी बात थोड़ी है। लेकिन आप कितनी बार दूसरों के लिए ताली बजाते हो, इतनी प्रशंसा अपने लिए आप तैयार करते हो अपने जीवन में, ये क्रॉस वेंटिलेशन है। जब तक ये थियोरी नहीं जानोगे, आपको अपना एक दरवाजा खोलना पड़ेगा जिससे बाहर के दरवाजे से आप जो चाहो वो अंदर घुस सके। जब तक उसको घुसाने के लिए 1,000,000 प्रयत्न करो, वो घुसेगा नहीं। घुसेगा तभी जब आप निकालोगे। आपको सुबह मैंने कितने रुपया दान करने बोला, महीने का कितना हुआ? 150। मैंने बोला कि भाई रोज 5 रुपया दान करो। आपको लगा 5 रुपए में क्या हुआ? आप सबको मैं बोलता हूं, अगर आप इस संत को मानते हो तो आगे अगले साल कोई कार्यक्रम हो तब आना, लेकिन जब तक एक दिन भी छोड़े बगैर 5 रुपया दान करो। कितना? एक दिन भी छोड़ना नहीं, छूट गया तो फिर मैं उसका वचनदार नहीं हूं। लेकिन आपने छोड़ा नहीं और 5 रुपया दान किया, अगले साल जुलाई अगस्त में आप आना। आपकी जिंदगी का रौनक अगर बदला नहीं तो मुझे पूछना, मेरी साधना बोलती है। 5 रुपया दान करो,
कितना? बात पांच की नहीं, मैंने बोला कि संसार आंकड़े से इज्जत देती है और धर्म तो भावना से इज्जत देती है। 5 रुपया भाव से देके देखो, आपका घर नहीं है तो 1 साल के अंदर चमत्कारी रूप से खुद का घर होगा। अगर 1 साल में आपके पास गाड़ी नहीं है, चमत्कारी रूप से गाड़ी होगा। और इन बातों से मैं लोभ नहीं दे रहा हूँ, आप ये ध्यान रखना, आपको एक सर्वोत्तम कार्य करने की प्रेरणा दे रहा हूँ कि क्रॉस वेंटिलेटेड रहो, जीवन में निकालो ताकि आ सके, निकले थोड़ा आए ज्यादा, ऐसे करो। आपके पास 5 रुपया भी निकालने की बुद्धि आ गई तो आप सर्वोत्तम बनने का नींव बो रहे हो, सिर्फ मेरे लिए मेरे लिए। आज सुबह में गिनने बोला, कितने लोग 100 अच्छा ही गिने हुए कितने लोग होंगे, 100 अच्छा ही। उम्र में 20,000 साल निकाल ली, 25,000 दिन निकाल ली, 18,000 दिन निकाल ली, 20,000 25,000 दिन निकाल ली, 10 अच्छाई गिन नहीं पाए हमने, हमारे लिए 10 अच्छाई गिन नहीं पाए। और रोज हजारों अच्छाई हमारे जीवन में हो जाए, हम हर दम चाहते हैं कि मेरे जीवन में हजारों अच्छाई हो, हर आदमी चाहता है कि नहीं? हाँ, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए, मोटर गाड़ी की टिकटें लेके प्लेन कहां से पाए। आप अच्छाई चाहते हो, कभी किसी के लिए अच्छाई करने की कोशिश की महाराज? बोलो, आज कुछ तो सोचने के लिए मजबूर हुए होंगे आप। अभी भी मजबूर नहीं हुए हो तो आप पत्थर हो, क्योंकि बोलते ही समझ लें वो इंसान है, समझा के समझाए वो भी है, लेकिन पत्थर भी ऐसा है जो कुछ भी करो तो समझे नहीं। लेकिन मैं तो पत्थर को भी पिघाल के ही रहूंगा, वो भी देख लो आप, पत्थर को भी पिघाल के ही रहेंगे। अगर वो पत्थर है तो मैं भी देख लेता हूं कि मैं कौन हूं। रसवादी लोहे से सोना बनाता है, पत्तों से सोना बनाता है, रस विद्या का मंत्रवादी, आपने देखा है ना, आपने सुना होगा कि रस विद्या जानते हैं वो लोहे को सोना बना देते हैं, पत्तों से सोना बनाते हैं, रस विद्या है। तो हम भी वो विद्यावान हैं जो ऐसे बिल्कुल, जिनको जीने की कोई प्रकार की हुनर नहीं आती, उनको भी जीने की कला सिखा के भेजते। कोई ये सोच के आए कि मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मैं इसलिए जाऊंगा उसलिए जाऊंगा, तेरा कोई काम होगा कि नहीं, तू अपने आप में भरपूर सफल हो जाएगा, ये होगा। हाँ, इसलिए बोला कि ये हवन कुंड के पास बैठ रहे हो महाराज, ये माँ जब आती है तब शक्तिमान बनती है। आपको तो शक्तिमय क्षेत्र में माँ का दर्शन हो गया, भरपूर लाभ हो गया। क्या स्टील के डब्बे में समृद्धि भरे, अंदर ही मां भर गई, हमारे अंदर मां भर गई। डब्बे में क्या भरे, हमारे अंदर आ गई मां। बड़े भाग्यशाली हैं हम। अब आज इस भाग्य को सराहने के लिए मां के 108 नाम को सुन के आज हम धन्य बनेंगे। आज सबने देव दर्शन किया है, तो जब भी देवता आते हैं, आपने देखा होगा कि देव दर्शन होते ही ब्रह्मा का दर्शन होता है, तो चंड मुंड शुंभ निशुंभ भी स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, उनको स्तुति करके रिझाते हैं। हम तो फट करके गुरुदेव ने वापस संसार में ले आए, देवलोक से तो हमको आना पड़ा, लेकिन फिर भी हम भी आज स्तुति करेंगे। आप हाथ जोड़ करके ऐसा करना, एक एक नमः बोलू ने, एक नमः, उस समय ये कमल का पुष्प माँ के चरण में चढ़ा रहे हैं, ऐसे भाव करिए। जिन्होंने माँ का चरण आज देखा उस चरण में चढ़ा रहे हो, ये भाव करो। जिन जिन्होंने माँ का दर्शन कर लिया, कितने लोगों ने देव दर्शन किए, वो सब हाथ ऊंचा करो, सबने कर लिया, भाग्यशाली। अब हम माँ के 108 नाम को स्मरण कर लें। कितने नाम? 108 नाम को स्मरण करके आज माँ की स्तुति करेंगे। रोज तो हम कार्यक्रम करते ही हैं, लेकिन आज माँ का गुणगान कोई भागवत समझेंगे, क्योंकि जिन शब्दों में माँ है वो हर शब्द देवी भागवत ही है। जिन शब्दों में माँ है वो सभी शब्द माँ के ही शब्द हैं। आपको मैं बड़ा निवेदन करता हूँ, साल में 10 दिन, कितने दिन? साल में सिर्फ 10 दिन, 355 दिन आप अपने संसार के लिए रखिए, पूरा 355, उसमें एक दिन कभी मंदिर गए वो सब वो 355 में जोड़ लीजिए।
10 दिन नियमित किसी संत कथा में, पूजा भक्ति में 10 दिन जाया करिए। साल में एक 10 दिन भी जाओ, एक 10 मिनट नहाते हैं तो पूरे दिन फ्रेश रहते हैं। 10 दिन भजन करो, आपका पूरा साल अच्छा रहेगा। 10 दिन भजन करो। और अगर पक्का वाशिंग चाहते हो कि भाई वाशिंग ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मेरे को पक्का वाशिंग चाहिए, तो कृष्णगिरी आके वाशिंग करो 10 दिन। अगर पक्का वाशिंग चाहते हो तो कृष्णगिरी आओ। ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, क्या है मैनुअल मशीन में तो क्या है कि आपको डाल के बनाना निकालना पड़ता मेल, और बराबर नहीं निकले तो निकलेगा भी नहीं। ये मशीन ऐसा है कि सामने वाला नहीं भी चाहे तो भी मेल निकाल के भेजे जबरन। इसलिए ऑटोमेटिक मशीन चाहते हो तो इधर आओ, मैनुअल चाहते हो तो कहीं भी जा सकते हो, यहाँ ऑटोमेटिक है। आप नहीं भी चाहोगे तो मेरे पास तो संस्कार, चरित्र, श्रेष्ठता, पवित्रता यही आपको मिलेगा। भले ही एक्स्ट्रा में कुछ भी मिल जाए, पहले तो यही मिलेगा आपको। आपको संस्कार सद्गुण ही मिलेगा मेरे पास, बाकी आप कुछ चाहो। माँ करेगी तो मैं आपके हर काम कर दूंगा, वो अलग बात, वो सब मेरे लिए तमाशा है। मैंने कह दिया ना उसको, जिस दिन बोला 2 दिन में मैं जाके उस लड़के को समझा दिया, समझौता कर ले, नहीं तो इतना वर्ष से झगड़ने वाले को आज सद्बुद्धि आ जाती है, रातों रात आ जाती है। और किसी ने, इन्होंने जाके तो मनाया नहीं कि समझौता कर ले, खुद कैसे बोले कि समझौता कर लूं, कैसे बोल दें। और वो घटना मैं यहां बोल रहा हूं, उसने थोड़ी बोला है, मैं बोल रहा हूं घटना, इसने बोला नहीं मैंने बोला, तो घटना कराने वाला बता रहा है कि ये है घटना। और वो तो उसी दिन सभा में ही कह दिया था, पेशी टल जाएगी तुम्हारी, तुम बैठी रहो शांति से, कहीं जाने की जरूरत नहीं, नहीं मेरा कोर्ट केस है, मैं कैसे यहाँ रहूं। अरे पड़ी रहे, जब तक कृष्णगिरी में तुम लोग रहोगे तुम आपत्तियों से मुक्त हो। तुम्हारा कोई भी आपत्ति है, यहाँ रहो जब तक मुक्त हो, घर जाने के बाद राम राम। मुझे पता नहीं, भजन करो तो अलग बात, नहीं तो तुम्हारे करतूत का फल भी तुम पाओगे। अच्छे करो अच्छा पाओगे, बुरा करो बुरा पाओगे। मेरे चरण में रहोगे जब तक तुम स्वतंत्र भी हो, सुरक्षित भी हो। ये देख लो, यहाँ कोई याद नहीं आएगा, यहाँ माँ याद आती है। यहाँ रहते हो कितना तुमको आनंद आता है, हाँ घर जाओ देखो क्या आता है, फिर भी तुमको संसार खींच रहा, क्या करे, तुम्हारा कर्म है ऐसा। मैं तो माँ को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जैसे इन्होंने बताया कि मेरे जन्म दी हुई माँ, वो जन्म से ही दिमाग से कमजोर थी मेरी माँ। मेरी माँ जैसे ही शादी हुआ, यहाँ तमिलनाडु में विलुपुरम मेरी माँ का घर था, वो है राजस्थान में बगड़ी के, मेरे पिताजी माताजी दोनों एक गांव के। लेकिन मेरी माँ की शादी हुई, हमारे में क्या है कि शादी के पहले दिन उपवास कराते हैं, उपवास में ही फेरा खाना चाहिए, खा के फेरा नहीं खाया जाता, व्रत करके फेरा खाते हैं। काफ़ी लोगों में है ऐसे, व्रत करके ही फेरा होता है, खा खा के फेरा खाएं वही डाइवर्स करें। एक व्रत शुद्धता के बाद भक्ति करें तो वो दोनों शरीर में एकता में कभी कमी नहीं आती है। तो व्रत किया तो काफी चक्कर आया, सुबह उठ के कुएं में दातन करने गई, वो कुएं का पाल नहीं था, उस जमाने के कुएं में ऐसे पाल नहीं बनाते थे, खड्डा ही होता था सीधा, अंदर ही कूद गई ऐसे चक्कर में और सिर पर लगा, पागल हो गई। शादी के अगले दिन ही मेरे पिताजी को सब लोगों ने समझाया, उस जमाने में 3 शादी 4 शादी बहुत सरल था, आज से 70-80 साल पहले, 100 साल पहले की बात है। मैं ही 55-60 का हो गया, मेरा बड़ा भाई आज 70 साल का है। तो 100 साल पहले एक पत्नी के होते ही दूसरी शादी, अगर बच्चे नहीं होते तो 2 शादी 3 शादी भी करते थे। तो मेरे पिताजी को समझाया, तो आज ही पागल हो गई, दूसरा शादी कर लो, क्या जरूरत है इसके साथ रहना, क्या जरूरत है। तो मेरे पिताजी ने समझाया ऐसा नहीं है, जिसका मैंने हाथ पकड़ा वो कैसे भी हो उसी के साथ रहूंगा। मेरी माँ का दिमाग लास्ट तक भी ठीक नहीं हुआ, एक ही जगह बैठी रहती थी। हम 6 बच्चे हुए, सबसे बड़ा भाई चेन्नई रहता, मैं सबसे लास्ट हुआ। उसके बाद मेरी एक बहन को जहर देके उसके ससुराल वालों ने मार दिया, एक भाई को जहर देके उसके परिवार वालों ने मार दिया, एक बहन, ये दोनों सुन के पागल होके मर गई। और बहुत सारा मैंने देखा, मैंने देखा कि इस संसार में जिसको तुम बहुत अच्छा बोल के चाटते हो, उधर मुंह लगाने भी कोई खुशी नहीं है। उस समय हमारे जीवन में धर्म और संयम ने प्रवेश किया। मैंने ये की सोचा, देवता भी तभी आएंगे जब जीवन में नियति और संस्कार होगा। तब मैंने कृष्णगिरी तीर्थ का माँ को सपने में देखा, कि माँ ने बोला मैं यहाँ हूँ, तू आ, तू कहाँ है, तुझे 2 नाग जरूर मार्गदर्शन करेंगे। उधर से रोड से ये 2 नाग आके इस बिल में घुसे और उन्होंने आवाज किया कि तू यहीं बैठ जा, तू यहाँ के लिए जन्मा है। उसी समय दुकान घर सब छोड़ के मैं यहाँ बैठ गया था, ये जमीन खरीदा और इधर ये तीर्थ में माँ ने अपना रूप दिखाया। ये आदिनाथ भगवान 2100 वर्ष पुराने हैं जो जमीन से निकले,
और भगवती उत्पन्न हुई और इसकी कृपा से हमारा कल्याण होने लगा और ऐसी माँ आई। तब बैठ पानी क्या लाए, जूता मारो, बैठ शांति। कोई भी शैतान भूत प्रेत मेरे सभा में आए बाटल में बंद कर दूंगा, सावधान। फिर ये तीर्थ बना भाई, इसलिए उन्होंने जब बोला कि उगमा माई को धन्य है, वो माँ को तो सच्ची में ही धन्य है, जिसको ना तो संसार का कोई आसक्ति था ना प्रीत, पूरी जिंदगी बैठी बैठी निकाल दी मेरी माँ, वैसे माँ के कारण ही मैं संत बना हूं, ऐसी माँ मिली। तो मेरी कहानी सुनाने के लिए मैं यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं बनाया हूँ, फिर भी आपको बताता हूँ कि भाई संत कैसे संत बनते हैं, आप समझोगे तो संतों के चरण में आप भी श्रेष्ठता लेके जाओगे, आपका राग द्वेष सब छोड़ दोगे, आपका कल्याण उसी में होगा। अब मैं बता रहा था कि ईश्वर की कृपा के लिए क्रॉस वेंटिलेशन करो, क्या करो, क्या चाहते हो आप? आपके जीवन में हर एक कोई एक चाहत होगा। कला के क्षेत्र में जो जाते हैं वो पैसे के साथ साथ नाम चाहते हैं, मेरा ख्याति बढ़े, क्या बढ़े, चार लोग बोलें कि वाह बढ़िया, तो आप चार लोगों को बोलो वाह बढ़िया, क्या बोलना, हाँ हर एक के अच्छे काम को देख के तारीफ करो। आप जब अच्छे काम को तारीफ करते हो तो समझो कि आपने खिड़की खोल दी, अब हवा आने की तैयारी है। बहुत सरल बात, आप जो जो चीज चाहते हो दुनिया को उस चीज से लबालब करो। प्रेम चाहते हो आप, आपको प्रेम कम मिलता है ऐसे मन में लगता है, आप खूब प्रेम करो, बाहर से प्रेम को लाने की दरवाजा खुल जाएगा, आप पर प्रेम आएगा। बहुत सरल है। आप पैसा बहुत चाहते हो, क्रॉस वेंटिलेशन करो। आपको बता दिया ना, विज्ञान ने यह साबित कर दिया है, सामने हवा जाने का और एक खिड़की ना हो उस कमरे में हवा घुसता नहीं है। आप बोलोगे हवा में प्राण या जीव या ज्ञान कहां से है, वो हवा में एक ऊर्जा है, वो समझ लेता है कि इस जगह घुसने से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो आज विज्ञान ने साबित कर दिया कि जहां क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है उन घरों में हवा अंदर घुसता ही नहीं है, घुसता है लेकिन हमको महसूस होता नहीं, ऐसा नहीं है वो घुसता ही नहीं इसलिए गर्मी लगती है हम। और जहां दो दो खिड़की सामने सामने वहां देखो कितना हवा चहल पहल करता है। तो आप अपनी खिड़की खोलो और बाहर निकालो आपके पास से प्रेम को, दान को, दया को, अपनेपन को, खूब बाहर निकालो, अंदर से हजार गुना खींच के बाहर से आएगा। देखो आप बाहर से ऐसे लबालब आएगा कि रखने के लिए आपके पास जगह नहीं हो पाएगा, आपको बाहर निकालना पड़ेगा। निंदा करोगे तो दुखी होगे, क्या होगे, 24 घंटा निंदा करोगे दुखी होगे, 24 घंटा कोई ना कोई लपड़ा करोगे दुखी होगे। दूसरों के लिए अच्छा सोचो तो एक दरवाजा आपका खुल गया तो आपके दरवाजे में बहुत कुछ घुसेगा, क्या होगा। बहुत सरल सिद्धांत समझा दिया, बहुत सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो चाहते हो दुनिया को वो दो पहले आप, अगर पैसे से कमजोर हो तो प्यार दो, इतना भी नहीं मैं वो भी कमजोर हूं मुंह भी खुलता नहीं तो आंख से तो भी दया से देखो किसी को, कम से कम आपकी दृष्टि में प्रेम रखो, बहुत हो गया, दूसरा प्रेम करेगा आपको। कोई एकदम दुखी हो तो कंधे में हाथ डाल के थोड़ा सा उसको हिम्मत दो, इन सब में पैसा नहीं लगता। कोई दुखी हो उसके कंधे में हाथ रख के बोलो मैं हूं ना, चिंता क्यों करे, उसकी हौसला बढ़ेगा तो आपका सुख बढ़ेगा, सब बढ़ता जाएगा अपने आप। थोड़ा प्रेम करना सीखो, किसी को कुछ देना सीखो, इसलिए आज सबको बोला 5 रुपया रोज दान दो। ऐसा नहीं कि आप कहीं गए ना 10,000 दे दिए सोचो के दान किया, 5 रुपया तो भी करो, रोज करो, नियमित करो। अगले साल आपको मैंने बुलाया है और आप आओगे तब बोलोगे महाराज अब बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, महाराज अब तो देने के लिए है मेरे पास सब, अब बोलने वाली बात खत्म हो गई मेरे जीवन में, मैं जो बोलूं वो करके देखो। 5 रुपया दे सकते हो आप, वो भी मेरे लिए नहीं मांगा, किसी गरीब को दो, अनाथ को दो, कोई दुखियारे को, लंगड़े लूलों को, अंधों को दो, किसी को दो आप 5 रुपया दो, रोज दो, लेकिन देना रोज पड़ेगा, एक दिन भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। आज मैं भूल गया महाराज, जिस दिन खाना नींद भूल गया हो उस दिन भूल जाना, मैं मान लूंगा जिस दिन खाना भूल गया हो नींद भूल गया उस दिन ये भी भूल जाना, क्योंकि हम अच्छा काम भूल जाते हैं, यहां से भी बीच बीच में दौड़ के चाय पीने जाना है, खाने जाना है, हम वो नहीं भूल सकते, हम वो नहीं भूलेंगे, हम भूलेंगे अच्छे काम। अरे महाराज गलती हो गई, व्रत में मैंने अन्न खा लिया,
अरे कैसे खा लेगा, कैसे भूल जाएगा तुझे? वो व्रत का भान रहेगा तो भूल जाएगा? तुझ में भान नहीं है, तेरा भान अपने मतलब का है। तो मतलब छोड़ो, भक्ति बढ़ाओ। आप जिस दिन सही ढंग से दुनिया को कुछ देने लगोगे, ईश्वर अनंत गुना करके आपको देने लगेगा। आप आज दुखी हो तो आपने कुछ नहीं किया। मैंने सुबह गिनाया सबने, कितने ही लोगों ने बोला एक भी याद नहीं आया, ऐसे बोला कि नहीं, जीरो बताते कितना। हाँ, 50 साल का आदमी है, आज तक जीरो अच्छाई की है कितना। और ईश्वर से अनंत अच्छाई चाहता है, अनंत चाहिए, कितना चाहिए? भगवान बोलता है तू ये करे तो मैं लाख करूं तेरे लिए। हाँ, भगवान ने हमारे लिए भी कोई काम दिया होगा। देखो भाई, कोई बड़ा भाई है, बाप बूढ़ा है, छोटा एकदम छोटा बोला है तो बाप कहेगा ना कि तू बड़ा है थोड़ा इसका ध्यान रखना, बोलेगा कि नहीं? तो वो बाप भी हमको बोला हुआ है तुम थोड़े सक्षम हो, बड़े हो, एकदम रोड में प्लेटफार्म में सोए हैं, किसी को खाने कुछ नहीं है। तो समझो वो छोटा भाई है, बाप कह रहा है कि तू उनका ध्यान रख, हमको इसलिए भेजा है, तू उसका ध्यान रख। तू बड़ा भाई है, उन गरीबों का ध्यान रख, वो छोटे भाई हैं। हम सब एक भगवान के हैं तो फिर तो हम भाई भाई हुए, एक भगवान के हम संतान हैं तो भाई भाई हुए। आपका कोई दूसरा आदमी गरीब पड़ा है प्लेटफार्म में, जिसको खाने नहीं मिल रहा, तरस रहा है, तो ये मेरा छोटा भाई है, दो रोटी दे दो, दो रोटी इसको दो। आपको भगवान रोटी नहीं देगा क्योंकि वो आपके पास है, तो वो खाने सोने की थाली आपको देगा भगवान। भगवान दूसरी व्यवस्था करेगा, भगवान आपका भला करेगा। क्या करेगा? ए वो भगवान आपका भला करे, स्टिकर कहाँ रहे मेरे बच्चे? एक मंगा, जल्दी करना। कल आपको मैंने एक स्टिकर दिया, किस किस ने लिया? मरा सब ने ले लिया। वो क्या है आपको पता ही नहीं, लेके बैठ गए। दुनिया का जादू स्टिकर मैंने बनाया। मैंने सोचा कि हर घर में भला ना घुसे। क्या ना घुसे? भला नहीं घुसे, भला घुसे। क्या घुसे? एक बला है जो घुस जाती है बिन बोले, लेकिन भला घुसने में मुश्किल पड़ती है। तो मैंने सोचा ऐसा कोई चीज हो जो काम करे, तो मैंने लिखा भगवान आपका भला करे। क्या लिखा? ज्ञान धन शक्ति आपको खूब मिले। आपको तीन ही चीज चाहिए, पहले ज्ञान। ज्ञान नहीं हो तो धन का दुरुपयोग होगा, शक्ति का दुरुपयोग होगा। ज्ञान होगा तो धन कर्ण की तरह खर्च होगा, शक्ति अर्जुन की तरह खर्च होगा। वो सही जगह खर्च होना, ज्ञान धन शक्ति तीनों चाहिए आपको खूब मिले। अब इसको मेन डोर पर लगाना है। कहाँ लगाना है? दरवाजे पर। इससे क्या होगा महाराज? जो भी गली में जाएगा पढ़ेगा, जो भी आपके घर के आगे से जाएगा पढ़ेगा कि इसने क्या लगाया है। वो पढ़ते पढ़ते जाएगा भगवान आपका भला करे, ज्ञान धन शक्ति आपको खूब मिले। और एक जाएगा वो पढ़ेगा भगवान आपका भला करे, ज्ञान धन शक्ति आपको खूब मिले। समझो कि लाखों लोगों ने इस मंत्र का जाप किया, आपके घर को देख के किया, तो उसका परिणाम किसको आएगा? हाँ, आप सोते सोते रहो घर में, खाते खाते घूमो, आपको एक बार भी बोलने की जरूरत नहीं। दुनिया आपके लिए आपके घर को देख के जाप करेगी, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, फोकट में जाप चलेगा। समझो कि आपका दुश्मन है, कोई हो सकता है दुश्मन, मैं नहीं कहता कि किसी का दुश्मन हो, लेकिन दुनिया दुश्मन बन जाती है। तो ऐसा कोई दुश्मन हो, वो दुश्मन ही पहले देखेगा कि मेरे दुश्मन ने क्या लगा है, पढ़ू मैं, मेरा दुश्मन क्या लगाया पढ़ू, तो आपका दुश्मन पड़ेगा। भगवान आपका भला करे, ज्ञान धन शक्ति आपको खूब मिले। दुश्मन के मुंह से भी आशीर्वाद निकालने की ताकत इस चीज में है, इसको लगा दो। इसमें मैंने स्वस्तिक बनाया है। स्वस्तिक का अर्थ क्या? ऊर्जा को घुमाएं उस जगह में जहां स्वस्तिक होता है, ऊर्जा घूमता है। कलश बनाया है। कलश किस लिए? समृद्धि को घर की तरफ खींचे। ओम किस लिए? किसी तांत्रिक ने मंत्र प्रयोग किया, तंत्र प्रयोग किया, तो ये ओम कलश और स्वस्तिक उसको बाहर से ही भेज देंगे। अच्छी चीजें घर में आने लगेगी ना, खराब चीज बाहर से ही निकल जाएगी। ये स्टिकर देखने में छोटा है, ब्रह्म ऋषि का बाण है, ये बहुत बड़ा बाण है। देखो ये कलश है ना, कलश है, ओम है, स्वस्तिक है, ये काम करे, भगवान आपका भला करे, ज्ञान तन शक्ति। ये जितने लोग चलते चलते पढ़ेंगे, कोई फ्लैट में भी रहे तो कोई दरवाजा घंटी बजाने के पहले खड़ा रहेगा, कोई फ्लैट में रहते हैं ऊपर सोसाइटी में, वो बोलेंगे वो हमारे यहाँ तो कोई घूमते नहीं। अरे कितने ही लोग आते हैं घंटी बजा के खड़े रहेंगे, जब तक दरवाजा नहीं खुले खड़े खड़े क्या करेंगे, क्या करेंगे?
तो आपके दरवाजे पर ये लग गया तो लाखों बार इसका रटन होगा लोगों से। आप अंदर सोते रहो के जागते रहो के बैठे रहो के कुछ भी करते रहो, दुनिया आपके लिए जाप करेगी कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। क्योंकि ये आप समझ नहीं पाओगे तो आपको क्या मिला ये भी समझोगे नहीं। आज तक जो जो मिला है आपको सब हीरे पन्ने हैं। क्या मिला है? तो हीरे पन्ने मिल रहे हैं। जाते ही घर में पहले अपने मेन दरवाजे में ये लगा लो। जो दो दो लोग आए, दो दो लिए हो तो एक अपने बेटी के घर, बहन के घर, भाई के घर लगाओ, उनके घर में भी सुखी होगा तो क्रॉस वेंटिलेशन शुरू हो जाएगा आपके यहाँ। दूसरों के लिए पहले करिए। क्या करना? हाँ, दूसरा भी रहा 5 दिन। कितने दिन का कार्यक्रम था? माइक लो, बोलो कितने दिन का कार्यक्रम था? 29 दिन का गुरुदेव। अभी कितने दिन है? 5 दिन है गुरुदेव। हाँ, अब 5 भी चले गए तो बाकी तो 0 ही रहेगा। कितना रहेगा? 0। तो उस 0 के पहले हीरो बनने के लिए अपने काम में लगो, भक्ति में लगो। इतने मंदिर में रोज शाम को आरती में जाओ, जाप करो, भक्ति करो। आपका हिसाब किताब आप मुझे समझाने की कोशिश मत करना। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता मेरे दादा के दरबार में, सब लोग हाथ ऊपर गाता मेरे दादा, दोनों हाथ ऊपर दरबार में सब लोगों का गाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दादा, हाथ ऊपर दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता। चलो अभी एक बात करते हैं। कई लोगों को मैं संस्कार की बात करूं तो अलग से वो किसी से कहल बातें, मैं संस्कारी बनना तो चाहता हूं लेकिन बहुत दिन से दारू छोड़ना चाहता हूं, छूटता नहीं। ऐसे में से बहुत समय से वो एक आदत छोड़ना चाहता हूं, छूटता नहीं है। बहुत समय से ये धुआं बंद करना चाहता हूं लेकिन धुमावती माँ छुड़वाती नहीं है। ऐसे कई लोग कहते हैं, आज इनके लिए एक इलाज। कभी आपके पास कोई भी गलत आदत है और आप कृष्णगिरी के, कल कितने लोगों ने बोला हम कृष्णगिरी आए और वेजिटेरियन बन गए। कल शाम को आपने सुना माइक में, उन्होंने बोला हमारे घर में सब मांस मदि सब चलता था लेकिन जैसे ही कृष्णगिरी से जुड़े और सब छूट गया। यही तो चाहते हैं कि आप में अच्छी चीजें आ जाए, यही तो चाहते हैं कि आपका छूट जाए लपड़ा। लेकिन फिर भी किसी को लगे कि हमारे में ये गलती है, छूट नहीं रही है, तो बहुत सरल आपको बताता हूँ। 21 दिन 21 मिनट करना। कितने दिन? सिर्फ 21 दिन 21 मिनट करो। फिर भी बहुत स्ट्रांग पकड़ा है तो थोड़ा और करो लेकिन 21 दिन में छूट जाएगा। शराब हो के नशा हो के भैंसिया गमन हो के कोई झूठ बोलने का के गलत काम के, कितने ही होते हैं काम सट्टे में नुकसान के। अभी कई लोगों को सट्टा अब छोड़ता नहीं, अब वो छोड़ना चाहे सट्टा उसको नहीं छोड़ता, वो पकड़ पकड़ के उसको खींचता, ऐसा है। तो बहुत सरल है, देखो 7 मिनट चिन्ह मुद्रा करो। ये चिन्ह मुद्रा है, खाली ऐसे बैठ जाए 7 मिनट ये करना। कोई गलत आदत हो तो करना है, मैं जो मुद्राएं बताऊं। आप ध्यान करना तो भी ये कर सकते हो, ध्यान में भी कर सकते हो, जाप में कर सकते हो, ये सब में कर सकते हैं। लेकिन गलत आदत है छोड़ना चाहता हूं। जो बहनें सुनते हैं अपने पतियों में कोई गलत आदत हो उनको सिखाओ, ये करो, जबरन करो, नहीं तो मैं पियर चले जाऊंगा। देखो करो, ऐसे बोल के कराओ। क्या? हाँ, चिन मुद्रा 7 मिनट। क्या मुद्रा? क्या मुद्रा? फिर प्राण मुद्रा, ये दोनों जोड़ना। ये प्राण मुद्रा अंगूठे, अभी चिन मुद्रा किए उसके साथ और एक उंगली पास वाली जोड़ ली, ये 7 मिनट। कितना? अब इसको निकाल के बीच वाली जोड़ ली, इससे आपका शुगर भी कंट्रोल में आ जाता है। आप ये रोज 10 मिनट करते हो तो कैसा भी डायबिटीज हो शुगर कंट्रोल में रहेगा, इसमें ये फायदा है। लेकिन नशे वाले गलत आदत वाले पहले 7 मिनट ये करें, समझ रहे हो? फिर 7 मिनट ये करें, कर रहे हो? फिर 7 मिनट ये करें, कर रहे हो? ये तीनों 7-7 मिनट किया, कितना मिनट हुआ? तो रोज 21 मिनट 21 दिन करना, 48 दिन करो तो और अच्छा। अपने आप वो आदत करने की इच्छा छूट जाएगी, अपने आप वो गलत चीजें छूट जाएगी, आप सही हो जाओगे और सही होके भक्ति करोगे तो भक्ति का फल तुरंत मिलेगा। आप ध्यान रखो,
आप में राग द्वेष है, निंदा है, परेशानियां हैं, मनोरंजन है, पड़े रहते हो सुबह 10 बजे तक और फिर सोचते हो कि मुझे भगवान बहुत पसंद आता। भगवान का आदमी जल्दी सो के जल्दी उठेगा, भगवान का आदमी समय पर सब काम करेगा, वो भगवान का आदमी है। शैतान है जो 10 बजे तक पड़ा रहेगा। तो इसलिए टाइम पर सोवे, टाइम पर उठे, अच्छी बातें करें, मीठी बातें करें। प्रेम चाहते हो क्या तो क्या करना? हाँ, धन चाहते हो क्या तो क्या करना? दान करना। बस समझ गए भगवान, ये लोग समझ गए भगवान। अब ये सब समझ चुके, आगे जाके तुम अपने गांवों में कथा करो। अब जाओ, तुम सब जाओ अपने अपने गांवों में कथा चालू करो। अब तुम सब समझदार हो गए, बाकी 5 दिन जप करेंगे तब करेंगे, कथा की अब जरूरत नहीं। बोल दयालु गुरुदेव। समझ गए कि प्रेम चाहिए तो क्या करें महाराज? प्रेम करें। धन चाहिए तो क्या करें? दान करें। सब समझ गए कि क्या करने। आप ये करने से मिलता है। हाँ, आपके पास जो पैसा है उसके लिए धन्यवाद बोलो। एक नोट दो, नोट उधर देखो, 2000 है, वो लाओ। अच्छा नोट किसने दिया? देखो, नोट लेते हो ना कभी जीवन में किसी से लेते हो ना, तो ये जो खुला बाग है आपकी तरफ हो ऐसे। कैसे लेना? इधर ही उसकी ऊर्जा इधर है इस एज में। आप अगर ऊर्जा का गणित समझते हैं तो ऊर्जा किसी भी चीज के बॉर्डर में घूमती है। कहाँ घूमती है? तो ये धन को लाने की ऊर्जा इधर ही है। इधर को पकड़ोगे तो धन आता है। ऐसे देते हो आप लोग जिंदगी भर, ऐसे ही तो देते हो किसी को। आप देते हो तो ऐसे ही तो देते हो। ये मुड़ा हुआ बाग आपके तरफ रख के ऐसे ही तो देते हो, बड़ा ऐसे तो दे के भी दिए हुए नहीं, लिए हुए ही रहोगे, क्योंकि किसी हालत में वो वापस आएगा, कई रूप में आएगा। ऐसे दे, ऐसे लेना, ऐसे ही देना। देना तो भी कैसे देना? आप जो ऐसे दिए आज तक फायदा नहीं किया, नुकसान किया, क्योंकि ऊर्जा उसको दे दी। आप ये नोट दे दो चलेगा, ऊर्जा अपने पास रहेगी तो वो अमाउंट आपका बैलेंस परमानेंट रहेगा, वो आपके पास आएगा। ऊर्जा को अपने पास रखना, नोटों का आदान प्रदान करना, और जब भी आता है वेलकम बोलना। क्या बोलना? मन में उसके सामने बोलो ना, वो भी पकड़ लेगा बात। ये बात सिर्फ कृष्णगिरी के भक्तों में ही रहना चाहिए। हाँ, भक्तों को ही भगवान का आशीर्वाद। कंस और कृष्ण समान हो गए तो मजा आएगा क्या भाई? हो सकता है? इसलिए जब भी आता है वेलकम बोल। क्या बोलना? वेलकम बोल के अनंत गुना बन के आते रहिए। क्या बोलना? और देते हो तो भी थैंक यू बोल के दीजिए। तुम जा रहे हो लेकिन मुझे मालूम है तुम जाओगे नहीं, अनंत गुना बन के आते रहिए। क्या बोलना? देते हो तो ही बोलो अनंत गुना बन के आते रहो, लेते हो तो ही बोलो अनंत गुना बन के आते रहो। ये निरंतर एक आदत बना के रखो तो ये कागज जाते आते रहेंगे, बैलेंस में कोई खोट नहीं पड़ेगा। ये कागज का आना जाना कोई मायना नहीं रखता है। पैसे सिर्फ नोटों में नहीं है, जमीन भी पैसे का वैल्यू रखता है, घर भी पैसे का वैल्यू रखता है, गाड़ी भी पैसे का वैल्यू रखता है, गहने भी पैसे का वैल्यू रखते हैं। कुछ भी नहीं, आम की लकड़ी भी पैसे में बिकती है। कुछ भी नहीं, एक मट्टी की मटकी भी पैसे में बिकती नहीं है। तो आप ये भ्रम निकाल दो कि नोट ही पैसे हैं। इस दुनिया में कीमत कई चीजों की है। आप बराबर समझ लोगे तो आपका कीमत कभी घटेगा ही नहीं, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। वैल्यू बढ़ेगा, क्या होगा? किस किस को वैल्यू बढ़ाना? इसको इज्जत दो, आए तो क्या बोलना? क्या बोलना? अनंत गुना बन क्या हो। फिर देवो तो क्या बोलना? हाँ, अनंत गुना बन के आओ। देते समय घबराओ मत के मेरे पास 10,000 था, आप 8,000 खर्चा कर दिया, 2,000 ही क्या होगा। ऐसे सोचने वाले के पास पैसा नहीं बढ़ता। पैसे की चिंता नहीं करना, ये नोट जाते आते रहेंगे। मेरे पास तो हरदम धन रहता है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं रहता। अगर ऐसे कोई चिंता भी लगे तो बोल दो मैं कृष्णगिरी का भगत हूँ, वहां चमत्कार ही चमत्कार है, कोई कमी नहीं है। मेरे जीवन में भी वो चमत्कार आता है। आपको अपने पर विश्वास नहीं है, चमत्कार पर तो विश्वास है ना। आप पर तो खुद को विश्वास नहीं होगा क्योंकि जीवन ही है इस टाइप का, तो आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन चमत्कार पर तो विश्वास है। तो आप पर चमत्कार होता है ये विश्वास करो पहले, तो यही विश्वास लो भाई। थैंक यू, अनंत गुना बन के आते हो। हाँ,
बंडल लो तो मोड़ के अपनी तरफ लेना देना, बहुत बड़ी गड्डी लो तो सूट के इसमें थैली में लेते हो तो उसका मुख अपनी तरफ रखो, कोई भी एज अपनी तरफ होना चाहिए। वैसे ही लेना, अपने को लेना देना तो अपनी मर्जी से करना, लेना तो भी मेरी मर्जी, देना तो भी मेरी मर्जी, तो उसका लेना देना आपकी मर्जी से ही करो, दुकानदार की मर्जी चलने नहीं देना, अपनी जो मर्जी है वही चलाना। मर्जी से चलोगे तो आपका भी जीवन में मर्ज ही मर्ज निकल जाएगा, सब अपने आप होगा। बड़े व्यवस्था से जीना है, कैसे जीना है, हाँ तो गुरु आदेश से जीना है। तो ऐसे माँ को नमन करके आज का दिन कितना अच्छा है, माँ ने कितना प्रसाद दिया, मंत्र सुनवाया, स्तुति सुनवाई, दर्शन दिया, आज का दिन ही बड़ा पावन दिन है, दर्शन दिया माँ ने। दर्शन में भारी रे तू सभी की है हितकारी, हाथ ऊपर रखो ताली के साथ, तीन लोक में तीर्थ नहीं है कृष्ण गिरी के जैसा, तीन लोक में तीर्थ नहीं है कृष्ण गिरी के जैसा, भुवनपति वे मानिक भी करते हैं यहाँ पे पूजा, भुवनपति वे मानिक भी करते यहाँ पे पूजा, सेवे सब संसारी रे पावे शिव पद सुखकारी रे, तू सभी का है हितकारी, दर्शन है सुखकारी रे तेरी महिमा जग में भारी रे, तू सभी के है हितकारी। कहते हैं देखो हमारे गुजराती कौन कौन है यहाँ, उसमें एक पद है कहते हैं भाई थोड़ा एक मिनट शांत रहना ताकि मुझे मेरा राग याद आ जाए। हाँ क्या कहते हैं गुजराती में पता है क्या कहते हैं, सोना मा सुगंध मड़े, सोना मा सुगंध मड़े, क्या कहते हैं, खोयू होई जीवन मा जे जे फाचू आवी मड़े, ज्या ज्या हार थई जीवन मा त्या त्या जीत मणे, सोना मा सुगंध मणे, सोना मा सुगंध मणे, ना कोई ले ओ ना कोई टले, ना कोई ले ओ, ना कोई देवो चिंता टले, ना हो जन्म नादर दिन दिन दीर ना ना नादर दिन दिन दीर ना ना हो टड़े, हाथ ऊपर, सोना मा सुगंध मले, सोना मा सुगंध मले 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 रे, सोना मा सुगंध मले, सोना मा, देखो वैसे सोने में सुगंध नहीं आ सकता लेकिन किसी वस्तु में आपकी समझदारी आ जाए तो सोने में भी सुगंध आ जाता है। भजन का अर्थ ये आप समझ कि इस जीवन में नहीं जन्म जन्म में
हमको परमात्मा मिले, परमात्मा का शरण मिले, सच्चा ज्ञान मिले, संस्कार मिले, चरित्र मिले, सद्बुद्धि मिले, ये प्रार्थना करते हुए कृष्णगिरी को धन्यवाद करेंगे कि माँ तेरा चरण मिला तो हमको सब मिला, ज्ञान मिल गया माँ, क्या मिल गया,